हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 13 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही अपना जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक एग्जाम ड्रॉपर, इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। चलिए सबसे पहले लास्ट वीडियो की जो क्विज है वह देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज का कि बीते दिनों मनाया गया पूरम उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर था आपका केरल। देखिए केरल का ही ये प्रसिद्ध त्यौहार है जो रिसेंटली मनाया गया था, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। पूरम फेस्टिवल केरल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, भू विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 50 वर्षों में किस बंदरगाह पर समुद्री जल स्तर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। देखिए पिछले 50 सालों में जो सबसे ज़्यादा जल वृद्धि हुई है जो समुद्र जल स्तर में, वो कौन से बंदरगाह पर हुई है, डायमंड हार्बर पे हुई है। ये कौन से राज्य में है, ये है पश्चिम बंगाल में है ये बंदरगाह डायमंड हार्बर, जहाँ पर इस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 50 साल में सबसे ज़्यादा समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि प्रतिवर्ष यहाँ पे जो है 5.16 mm की जो है इसमें जल स्तर में वृद्धि हुई है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। CBRE द्वारा जारी सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा स्थल विश्व के शीर्ष 10 सबसे महंगे कार्यस्थलों की सूची में शामिल किया गया है, तो सही आंसर होगा आपका कनॉट पैलेस। देखिए कनॉट पैलेस जो है ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और यह इसी को हाल ही में टॉप सबसे 10 सबसे महंगे कार्यस्थलों की सूची में जो है शामिल किया गया है, और इसका स्थान कौन सा रहा है इस टॉप 10 में, नवा स्थान रहा है इसमें, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये नवा सबसे महंगा जो है कार्यस्थल है दुनिया का कनॉट पैलेस, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला, मैंने नवा तो यहाँ पे बता दिया जो भारत का इसको मिला स्थान को कनॉट पैलेस, लेकिन पहला जो है दुनिया का वो कौन सा है, हांगकांग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हांगकांग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये स्थान दुनिया का सबसे महंगा कार्यस्थल है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही क्रिकेट विश्व कप 2019 में इंग्लैंड ने किसे हराकर फाइनल में जगह बना ली है, तो सही आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए आंसर ऑस्ट्रेलिया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो यहाँ पे सेमीफाइनल खेला गया है तो इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल हुआ था, जिसके अंदर जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है इसने जो है 224 रन बनाए थे, बदले में इंग्लैंड ने जो है 32.1 ओवर में 226 रन बनाकर ये यहाँ पे जीत हासिल की है और फाइनल में पहुँच गई है, ठीक है। इससे पहले का एक हमारा भारत का जो क्वेश्चन बना था, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, वो भी इंपॉर्टेंट था। न्यूजीलैंड को जो है उसने भारत को हराकर से फाइनल में पहुँची है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं। तो देखिए और एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, इंग्लैंड जो है 27 साल बाद जो है फाइनल में पहुँचा है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही भारत ने किस देश को स्पाइक मिसाइल खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया है, तो सही आंसर होगा इजराइल। देखिए भारत और इजराइल के बीच में एक सौदा हुआ था, समझौता हुआ था काफ़ी कुछ दिनों पहले, और उस सौदे को जो है यहाँ पे फाइनल टच दे दिया गया है, और ये यहाँ पे जो है ये ऑर्डर भी दे दिया गया है, और स्पाइक जो इसका मिसाइल का नाम है वो है स्पाइक मिसाइल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ इस मिसाइल की कुछ खूबियाँ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे मेन जो पॉइंट है इसका वो है सटीक निशाना लगाने के लिए ये काफ़ी जानी जाती है, यानी कि बिल्कुल एकदम सटीक निशाना इसका लगाती है ये मिसाइल, और इसकी जो रेंज जो है वो है लगभग 4 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है, जो कि ये पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में काम करती है। इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से या फिर जो शिप होती है उससे, या फिर जो है जमीन का जो लॉन्चर होता है उससे, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने इजराइल की बात की है, इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूशलम, और जो करेंसी वो है न्यू सेकेल इसकी करेंसी है, ठीक है, मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही भारत रूस के बीच द्वितीय सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली में। ये वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है, और ये भारत और रूस के बीच का जो ये दूसरा संस्करण था इस वार्ता का, ये आप ध्यान रख लीजिएगा।
और इसका देखिए जो भारत का नेतृत्व किया है इसके अंदर इस बैठक का वो किया है जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उन्हीं के द्वारा भारत का नेतृत्व इस बैठक में किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका देखिए मकसद यही था इस बार का, जो मतलब कि टोटल 6 क्षेत्रों को चुना गया है जिसमें परिवहन, कृषि, व्यापार, पर्यटन आदि को जो है यहाँ पे आपसी सहयोग या मतलब कि दिया जाएगा दोनों देशों के बीच में, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी IBM ने निम्न में से किसका $34 अरब में अधिग्रहण कर लिया है? सही आंसर का रेड हैट। देखिए रेड हैट एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर प्रसिद्ध कंपनी है, जो इसका हाल ही में जो अधिग्रहण किसने कर लिया है, IBM ने कर लिया है। IBM का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, जितने भी जो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड, वो जो है इसी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो इसने जो है ये रेड हैट का अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाल ही केंद्र सरकार ने द सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह है क्या है? तो देखिए एक खालिस्तान समर्थक समूह है, खालिस्तान समर्थक जो खालिस्तान का समर्थन करता है वो ही उसी का मतलब कि एक समूह ग्रुप है, मतलब कि संगठन है, जिसको नाम दिया गया है द सिख फॉर जस्टिस, जिस पर हाल ही में भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो द सिख फॉर जस्टिस है ये मतलब कि खालिस्तान का समर्थन करता है और ये एक अमेरिकी संगठन है, अमेरिका का संगठन है जिसके लगभग 2 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन समर्थन है, ठीक है, और ये मतलब कि कुछ आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए जो है भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्न में से किसे विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका, ये नियुक्ति दी गई है विकास स्वरूप को। विकास स्वरूप हाल ही विदेश मंत्रालय में जो है सचिव के रूप में चुने गए हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 1 अगस्त से, जो है ये इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा और इन्होंने स्थान लिया है संजीव अरोड़ा का, संजीव अरोड़ा का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है। चलिए देखिए आज इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा था नहीं करंट अफेयर में, आज की क्विज देख लेते हैं। निम्न में से किसे विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया था रिसेंटली? तो जो भी आपका सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।